नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। सिटी पोस्ट के अपने स्टूडियो से लगातार हम बिहार की राजनीति से बड़ी बड़ी ब्रेकिंग खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी के तहत एक बड़ी ब्रेकिंग खबर और भी हम आपको पहुंचा रहे हैं कि जिससे कि हो सकता है कि जो रूलिंग पार्टी यहाँ पर बिहार में है जेडीयू, उसकी जो चिंता की लकीरें हैं थोड़ी बढ़ सकती हैं। बिहार में आपको पता है कि विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले फेज का जो पोल है, पहले फेज का चुनाव है, 28 तारीख को होना है और जिस तरीके से जो लगातार ताबड़तोड़ नेताओं का रूठना जो है जारी है, उसमें एक नाम और शामिल हो गया है और वो नाम है जेडीयू के प्रदेश सचिव शैलेंद्र प्रताप का। शैलेंद्र प्रताप अपने लिए तरैया विधानसभा सीट से टिकट चाह रहे थे, जेडीयू से चाह रहे थे, मगर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसी बात को लेकर के वो नाराज चल रहे थे। पार्टी नेताओं का रूठना और मनाना, ये जो सिलसिला है शुरू था, लेकिन अंततः शैलेंद्र प्रताप ने इस बात का मन बना लिया कि वो पार्टी से इतर होकर के, अलग होकर के, इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ेंगे। तो जो तरैया सीट है बिहार विधानसभा के, मैं कहीं ना कहीं यहां पे जेडीयू को बगावत दिख रही है। ये एक बड़े नेता हैं शैलेंद्र प्रताप। शैलेंद्र प्रताप ने जेडीयू से रिजिग्नेशन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है और सबसे बड़ी खबर यह है कि कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में शैलेंद्र के बारे में बताया जाता है कि उनकी धमक थी, उनकी जो धमक थी तरैया इलाके में थी, मगर किसी और उम्मीदवार को पार्टी ने यहाँ पर चुनाव चिन्ह दे दिया। उसके बाद से सिटी पोस्ट अपने पटना स्टूडियो से सबसे पहले आप तक पहुँचा रहा है कि जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता जो कि यहाँ पर प्रदेश के सचिव के रूप में थे, उन्होंने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है और वो इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। पटना से अभिषेक चंद्रा, सिटी पोस्ट।